बहुत ही रश्ड हुआ है, मतलब कि क्योंकि रैंडम पता लगा कि आरू जो है वो फैमिली के साथ में जा रही है बालाजी, तो अभी बस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग कमानेरू पार्क। यहाँ पे एक शूट करना था, वो शूट करने के बाद में यहाँ से फिर वापस जाना है घर, और हमें क्लाइमेक्स भी शूट करना है, मतलब जितना भी शूट है आरू का आज वो सब पूरा कवर करना है आज के दिन के ही अंदर। तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हौच-पौच हो रखा है, और फाइनली अभी आ चुके हैं यहाँ पे और करने वाले हैं शूट। टाइम बहुत कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे पहले, उसके बाद में कुछ करेंगे। ओके तो मिलते हैं बाद में। मुझे ना मतलब एक भैया थे, पर्सनल क्वेश्चन से पूछना है एक क्वेश्चन, तो ये पर्सनल क्वेश्चन जो पूछना है भैया से, आप ही बताइए कि जब मैं आपका मेकअप करता हूँ उसके बाद जो शूट होता है, वो शूट होने के बाद जब आपस घर जाते हैं, जो आपको भाभी देखती हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल मतलब आप इस लुक में जाओगे तो फिर आपको नॉर्मल लगेगा, मेरा हीरो आ गया। दाढ़ी दाढ़ी क्या बोलते हैं कलर होती है, और क्या बोलते हैं बाल कलर होता है, पूछते हो तो मतलब नॉर्मल। तो मैं इस लुक में नहीं जाता ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भैया लोग चेंज करके जाते हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देख, शांत है मेरा क्वेश्चन है। तो इधर आओ, नहीं इधर नहीं आएंगे, अभी ये करना है ना। हाँ सर, तुम्हें हल्लो है। सेकंड क्वेश्चन का दीक्षांत ये है कि दीक्षांत, जब तुमको हम टाइम बाई टाइम फोन करते हैं, बोलते हैं 5 मिनट अंदर करके आ जाओ, तो तुमको कैसा लगता है? तो कुछ नहीं, तैयार होते हैं बस तुरंत गाड़ी उठाते हैं और साढ़े से निकल देते हैं। कुछ नहीं, तैयार होते हैं बस तुरंत गाड़ी उठाते हैं और साढ़े से निकल देते हैं। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन प्रखर से, प्रखर का क्वेश्चन ये है कि भाई तुमको इतनी बार फोन करते हैं तो सर फोन उठता क्या नहीं, बिजी का जाता है एकदम। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। फोन बिजी ही नहीं रहता है। आरू से एक क्वेश्चन पूछना है। आरू तुम बस इतना बताओ कि तुमको मासी कैसे दिखती है? एक लास्ट मैसेज मैं पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, वो तुम ही पूछूंगा। ओके ला मुझे क्या मारे तो? हाँ तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, तुमको अगर जज करना हो, इतने लोग इतने भी एक्टर बैठे हुए हैं, इन सब में तुमको सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगती है? मतलब जिसको देख के तुमको मुझे लगता है हाँ यार ये जेन्युइन कर गया। संकट में डाल रहे हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मैं आगे अभी मैं आगे और डालने वाला हूँ, जल्दी बताओ। ओके तुमको तुमको नंबरिंग करनी थी मैंने ना, 3, 2, 1 या फिर 10, 9, 8, 7 इस तरह। तो तुम किसको नंबर करोगे, मतलब 10 नंबर पे कौन होगा? मतलब सबसे लास्ट, सबसे हाई, मतलब हाई पॉइंट्स 10 है। हाँ हाई पॉइंट्स पे आएंगे वरुण भैया। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और नंबर 9 पे कौन होगा? मैम कांग्रेचुलेशंस। 8 नंबर पे कौन होगा? तुम। इतनी खुशी मुझे आज तक। ठीक है, इसके बाद में 8 के बाद 7। आई थिंक यू आर मिसिंग समवन बिफोर मी, एंड दैट पर्सन इज अमन, राइट? एग्जैक्टली। आई वुड गिव 20 पॉइंट्स टू अमन। अब ज्यादा हो गया, ठीक है। ओके फिर 6 आरू। ओके 6 फिर 5 दीक्षांत, 4 फिलहाल मुझे 0 देना चाहिए था तुमको। अरे ओ ठीक है, ओके 4 बेइज्जती हो रही है। 4 नहीं, 8 मार्क्स नहीं दूंगी मैं नीलम भाभी को भी, मैं नीलम दीदी को भी। हां और और तुम जानते हो और किसको? तुम खुद तो कितना पॉइंट करोगी? नहीं अजय दादा, अगर तुम्हें खुद को नंबर देना, कितना नंबर दोगी? ठीक है तुम अच्छा बताओ, तुम इतने सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, तुम ये बताओ कि तुम अपनी क्या बोलते हैं, मतलब जो जो एक्टिंग का नंबरिंग करना चाहती हो, वो किससे करना चाहती हो कि हाँ ये बंदा करे तो मुझे एक जेन्युइन मतलब आंसर मिल जाएगा? तो वो इनमें से कौन होगा जज करने के लिए तुम दोगे? क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर ये कहा जाए कि तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुमको जज कौन करे इतने एक्टर्स में से, तो फिर तुम किसका क्या बोलते, मतलब किसको चूज करो कि हाँ मुझे ये जज करे? नहीं मुझे छोड़ के
जो दो बड़े लोग बैठे हैं दोनों में से कोई भी जज कर सकता है. कोई नहीं, एक नाम लेना पड़ेगा. पता है इसको इंग्लिश में. ओके, ओवर टू इंग्लिश मैम. सो भाभी आप बताइए, अगर आपको करिश्मा को जज करना है एक्टिंग स्किल्स पे, तो आप 1 to 10 नंबरिंग में कौन सा नंबर दोगे? ऑलरेडी आई हैव डिसाइडेड द मार्क्स बिकॉज़ ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन करिश्मा. करिश्मा इज रिटन स्क्रिप्ट. आई वांट टू गिव 9.5 मार्क्स टू करिश्मा. एक और क्वेश्चन. अच्छा आपने आपने अभी तक के ना सारे, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी करते हैं. आपने सारे टीम मेंबर देखे अभी तक के ना, हम लोग का DOP देखा है, अक्षय, दीक्षांत, प्रखर है ना, एडिटर दीक्षांत और सॉरी मतलब अक्षय है ना, और अमन, सारे एक्टर में भैया सब लोग है ना, तो आप मतलब अगर एक ओवरऑल आपको क्या बोलते हैं देना है कि बेस्ट क्या बोलते हैं टीममेट ऑफ द कलाकार विद कैमरा, तो आप वो अवार्ड किसे देना चाहोगे? मैं अमन को देना चाहूंगी. ओके, रीजन? रीजन उसका कुछ चीजें हैं, वो लगता है कि हाँ वो एक्ट नहीं कर रहा है. वो जेनेटिक है उसके अंदर. अच्छा अच्छा. हाँ, जैसे वो बिस्किट का घुटना और एक दो पॉइंट्स और उसके हैं. अच्छा. जब वो मैं मारने के लिए दौड़ी और वो होता है लड़कों के अंदर कि अगर एक को मार पड़ रही दूसरा पहले अपना. और भी 3-4 चीजें हैं. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो जाता है दीक्षांत के ऊपर. दीक्षांत तुम बताओ अच्छा कि तुम्हें अगर क्या बोलते हैं मतलब जितनी हम लोग के पास फीमेल एक्ट्रेस है लाइक भाभी हैं, करिश्मा हो गई है ना, दीदी हो गई, सब लोग जितने भी लोग आज तक के एक्ट किए हैं है ना, उसमें से किसी एक की एक्टिंग को जज करना हो कि हाँ ये ना इस रोल में परफेक्ट थी, तो वो कौन सा रोल है और भाभी किस रोल में, मतलब कौन सी शॉर्ट फिल्म में किस रोल में? तुम्हारा एक जो सॉन्ग आया था. अच्छा, बेटा तो कब आएगा? हाँ, देट वॉज अमेजिंग. तो यहाँ पे सॉन्ग प्ले किया जाए. उसे तुझको देखा नहीं है, पास मेरे कब आएगा माँ की आंखें पूछ रही हैं, बेटा तू कब आएगा. माँ की आँखें पूछ रही हैं, बेटा तू कब आएगा, बेटा तू कब आएगा. छिपा के अपने आँचल में मेरे हर दुख हर लेती है, मेरी एक मुस्कान के लिए वो हर जिद पूरी कर देती है, और लाख गलतियों के बाद भी जो सीने से लगा ले, ऐसी तो बस माँ ही होती है, ऐसी तो बस माँ ही होती है. प्ले हो गए सॉन्ग. ओके, और किससे पूछा जाए? आ तुम बताओ छोटे. तुम बताओगे नहीं? ठीक है. और बच्चा किसे पूछने? प्रखर. प्रखर, अरे रे रे, ये लौंडा शर्मिला ब्लॉगर भैया. ठीक है. अच्छा भैया कैमरा है यार, मतलब ठीक है. ओके, सो आपसे एक जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए, वो बताओ कोई ऐसा क्रिएटर है अपने मतलब क्रिएटर टीम में बचा होगा जिसको तुम नहीं जानते, उसका नाम पता तुम्हें? ऐसा तो कोई भी नहीं है आई थिंक. तुमसे नहीं पूछूंगा. क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि ऐसा कोई बंदा है जो क्या बोलते हैं मतलब हम लोग के बीच रही है लेकिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? उसका बर्थडे आने वाला है. अभी नहीं पता. तुमको पता है? तुमको पता है? आप बताइए अपने कलाकार विद कैमरा टीम का कोई एक ऐसा बंदा है जो क्या बोलते हैं मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है टीम का, लेकिन क्या बोलते हैं लेकिन शायद आप उसको जानती ना हो, या जानती भी होंगी तो शायद पहचानती ना हो, तो कोई ऐसा बंदा आपके नॉलेज में है? आकाश. सॉरी, वंदना. नो, बंदा नहीं, बंदी है वो तो. किसी को नहीं पता? चलो तुम बता दो. तुम होगे खुद. नहीं, ज्ञानेश्वर.
ज्ञान पांडे। तो ज्ञान पांडे जो है वो हम लोग के बीच में राइटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी क्या बोलते हैं मतलब आती है स्क्रिप्ट है ना, वो ज्ञान की करिश्मा की होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो क्या बोलते हैं करिश्मा उसको एग्जीक्यूट करती है और ज्ञान उसका प्लॉट देता है। जैसे कि जो शूट हम लोग इस टाइम कर रहे हैं ना वो ज्ञान का प्लॉट है, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट किया है वो करिश्मा ने किया, राइटिंग करिश्मा ने की है, लेकिन क्या बोलते हैं प्लॉट था ज्ञान का। तो एक वो ऐसा मेंबर है जो क्या बोलते हैं आप लोग से मिला नहीं है और मतलब क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जनवरी में 6 को आने वाला है, आने वाला है, ठीक है ना। तो उदी का बर्थडे कट कर दूंगा, कट कर दूंगा, ठीक है। आरू भी जाने वाली थी बालाजी और उसी चक्कर में सब कुछ मतलब मिसमैच्ड हो गया, क्योंकि आरू अगर जाएगी तो 3 दिन तक के ये ट्रिप है और फिर हमारी शॉर्ट टर्म 3 दिन डिले हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो काम 3 दिन में करना था वो काम हम लोगों ने 1 दिन में करने की कोशिश की है, होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा। टीम थी कलाकार विद कैमरा टीम और क्या बोलते हैं अब हम फाइनली जा रहे हैं शूट को ओवर करने, और ये हमारा मूवी का आई थिंक क्लाइमेक्स सीन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर ब्लॉग देख रहे हो तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कलाकार विद कैमरा को भर भर के प्यार देना। तब तक के लिए बाय बाय।